नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बुधवार को खेला गया। इंग्लैंड ने मैच में साउथ अफ्रीका को 41 रनों से मात दी। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और अफ्रीका के गेंदबाजों को जॉनी बेस्ट्रो और मोइन अली ने मिलकर धो डाला। इंग्लैंड ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पे 234 रन बनाए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन ही बना पाई। ब्रिस्टल ग्राउंड में खेले गए मैच में कल छक्कों की बारिश हुई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर खूब रन बनाए। जॉनी बेस्ट्रो ने 53 गेंदों पर 8 छक्के और 3 चौके की मदद से 90 रन बनाए। वहीं मोइन अली ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 52 रन की धमाकेदार पारी खेली। अली ने 6 छक्के और 2 चौके लगाए। इसके अलावा कप्तान जॉस बटलर ने 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 22 रन बनाए और डेविड मलान ने 4 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 बॉल पे 43 रन बनाए। इस तरह इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक मैच में रिकॉर्ड 20 छक्के लगाए। इंग्लैंड के द्वारा एक मैच में ये सबसे अधिक छक्के लगे हैं। इसके अलावा मोइन अली ने T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया। मोइन अली ने मात्र 16 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 3 छक्के पारी के 17वें ओवर डाल रहे एंडी फेलुकुआयो के एक ही ओवर में आए। मोइन अली से पहले ये रिकॉर्ड लियम लिविंगस्टोन के नाम था, जिन्होंने 17 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। 17वें ओवर में बेस्ट्रो और मोइन अली ने मिलकर 33 रन बटोरे। फेलुकुआयो ने इस ओवर में 5 छक्के खाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से लुंगी इनगिडी ने मैच में 5 विकेट लिए। इसके बाद 235 रन चेस करने उतरी अफ्रीका की तरफ से रिजा हेंड्रिक्स ने 57 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन मैच में जान डाली ट्रिस्टन स्टब्स ने। अपनी पहली इंटरनेशनल पारी खेल रहे स्टब्स ने मात्र 28 बॉल पर 72 रन बनाए। स्टब्स ने अपनी पारी के दौरान 8 लंबे लंबे छक्के भी लगाए और जब तक वो क्रीज पर थे, ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत सकती है, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर वो आउट हो गए और इसके बाद अफ्रीका 41 रनों से पहले T20 मैच हार गई। इंग्लैंड की तरफ से रिचर्ड ग्लिसन ने 4 ओवर में 51 रन देकर 3 विकेट लिए। अब अगला और दूसरा T20 मैच आज यानी 28 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से कार्डिफ में खेला जाएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।